तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की प्रसिद्ध मंगोड़ी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। राजस्थान में मंगोड़ी को पहले से बना करके सुखा करके स्टोर करके रख लिया जाता है। तो जब भी घर में कोई सब्जी नहीं होती है या फिर बाहर की सब्जी खाने का मन नहीं होता है, मार्केट की सब्जी खा खा करके बोर हो जाते हैं, तो ये सब्जी बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। नमस्कार, दीक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की ये मंगोड़ी की सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पर आप और कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्जी ज्यादा टेस्टी बनती है। तेल को गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग और जीरे को थोड़ा सा तड़का लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हरे प्याज। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं 100 ग्राम हरे प्याज। इनको मैंने अच्छे से धो करके साफ करके बारीक बारीक काट कर लिया है। तो सारे प्याज हम ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से जब हम मंगोड़ी की सब्जी बनाते हैं तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। सारी सब्जियां इसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। तो आप इस तरह से सब्जी एक बार जरूर ट्राई करके देखें। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे हरे प्याज इसमें डाल दिए हैं। अब हम प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इस तरह से चला करके। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे ना पकाएं। अब यहाँ पर मैंने लिए है 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, वो भी प्याज के साथ में डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं जब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे और अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें गरम मसाले वगैरह और डालना चाहें तो डाल सकते हैं इस समय। तो ये लीजिए हमारा मसाला तैयार है। इधर हमारे प्याज भी पक गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़े सॉफ्ट से हो गए हैं। तो अब हम इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। मसाले को भी हमें तेल छोड़ने तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट तक इस तरह से मसाले को पका लेंगे। और यहाँ पर देखिए मसाले में से ऑयल दिखने लगा है। तो अब हम एक बार मसाले को अच्छे से चला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें पूरा 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। इस सब्जी में पानी थोड़ा ज्यादा ही लगता है क्योंकि ये सूखी सब्जी होती है, तो पकते पकते पानी कम हो जाता है इसमें। ये ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पानी थोड़े अच्छे से डालना है। और अब हम इसको ढक करके एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तरी में एक बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मंगोड़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 1/2 कटोरी मंगोड़ी डाली है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1/2 कटोरी मंगोड़ी के लिए इसी कटोरी के नाप से 5 कटोरी पानी लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर हम सब्जी को 15 मिनट तक पका लेंगे। क्योंकि ये सूखी सब्जी होती है और मंगोड़ी थोड़ी हार्ड होती है, तो इसे 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं पकने में। और यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे सब्जी को। तो इस तरह से एक मंगोड़ी को आप तोड़ कर देख लें, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। तो बस सब्जी हमारी पक गई है। अब गैस को कर देंगे बंद और सब्जी में हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी में हमने हरे प्याज डाले हैं, तो अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से धनिया को मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी मंगोड़ी की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दीक्षा की रसोई को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।